Asma Beauty Parlor and Institute. First time in Mumbra Multi-Speciality Beauty Parlor and Institute. मुंब्रा का सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर जहां आपको प्रोफेशनल और सर्टिफाइड ब्यूटिशियन द्वारा हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट स्पेशल ऑफर बाय वन गेट वन सर्विस फ्री। रश एडमिशन स्टार्टेड फॉर ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट कोर्सेज एट आसमा ब्यूटी पार्लर एंड इंस्टीट्यूट जो की प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मेहंदी क्लासेज आर ऑल्सो अवेलेबल। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज मुंब्रा के बिलाल अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल की तरफ से अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों से कहा गया कि ऑक्सीजन अस्पताल में खत्म होने वाला है और 2 घंटे का समय है अपने अपने पेशेंट को कहीं और अस्पताल में शिफ्ट कर दे, जिसके बाद अस्पताल के बाहर हंगामा मच गया। इस बिलाल अस्पताल में रात 12 बजे से ही लोग परेशान रहे। ऑक्सीजन खत्म हुआ तो अस्पताल में भर्ती 22 लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, जिसके बाद बिलाल अस्पताल के मैनेजमेंट ने ऑक्सीजन के लिए और भी कई जगह पर संपर्क किया मगर ऑक्सीजन नहीं मिला। बिलाल अस्पताल में जो कंपनियां ऑक्सीजन सप्लाई करती थी उनके पास भी ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। मगर बिलाल अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हुआ तो 22 मरीजों की जिंदगी दांव पर ही लगने वाली थी, मगर जिसके बाद शमीम खान, शानू पठान, रेहान पीतलवाला, बबलू सेमना, शाह आलम, राजू अंसारी, जफर नुमानी, शहर के ऐसे और भी तमाम जिम्मेदार लोग बिलाल अस्पताल में पहुंच गए और इस दौरान शमीम खान ने मंत्री जितेंद्र भाट को फोन कर बिलाल अस्पताल की सारी स्थिति बताई, जिसके बाद मंत्री जितेंद्र भाट ने कमिश्नर से बात कर ग्लोबल अस्पताल से 2 ऑक्सीजन बिलाल अस्पताल के लिए भिजवाया। बिलाल अस्पताल में जो 2 ऑक्सीजन लाए गए हैं ये 16 घंटा ही चलेंगे, मगर सवाल उठता है कि फिर 16 घंटे बाद आखिर क्या होगा। 16 घंटे बाद अगर ये ऑक्सीजन खत्म हो जाते हैं तो बिलाल अस्पताल में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। एक तरफ जहाँ कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, ऐसे में अस्पताल की दुर्दशा क्या हो रही है कि ऑक्सीजन तक नहीं अस्पताल में शासन प्रशासन मुहैया करवा पा रही है। अस्पतालों का वो हाल हो गया है कि कहीं ऑक्सीजन ना मिलने से तो कहीं इंजेक्शन ना मिलने से मरीज तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ रहे हैं। इस दौरान शमीम खान, शानू पठान, रेहान पीतलवाला और बिलाल अस्पताल के डॉक्टर निज़ाम ने इस पूरे मामले पर क्या जानकारी दी है वो भी हम आपको सुनाएंगे, मगर सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि बिलाल अस्पताल में भर्ती हुए मरीज के रिलेटिव ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम है मैडम? क्या नाम है आपका? मेरा नाजिया सैयद है। मेरी सिस्टर यहाँ पे एडमिट है जो कम से कम 8 दिन से वेंटिलेशन के ऊपर है, 10 दिन से। हम लोगों को 3 दिन से इन लोग परेशान कर रहे हैं। हमारे पास में O2 नहीं है, हम अरेंज नहीं कर पा रहे, प्लीज़ हमारा जो है शिफ्ट कर दो आपके पेशेंट को। हमने कहा ठीक है आप अरेंज करके दे दो बैग, हम शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो बायस के ऊपर है वेंटिलेटर पर। अब बायस मैकेनिकल ये हर जगह पर ईजिली नहीं मिलते हैं, बहुत बोलते हैं ना बड़ी मुश्किल से हमको बुकिंग करना पड़ता है, सब कुछ बैठ करना पड़ता है तब जाके मिलते हैं। फिर हम लोगों ने सोर्सेस लगाए सिराज भाई के थ्रू, BJP के थ्रू, उसके बाद में फिर इसके अपना इमरान भाई के थ्रू। इन लोगों ने जब कॉल किए तो हमको बोलते हैं आप लोग पूरे दुनिया से हमको कॉल करवा रहे हैं, अवार्ड साहब से, इधर से, उधर से, सबसे। तब फिर हमने खुद जो हसन भाई मापे के है जो यहाँ पर ये डालते हैं वो मेरे हस्बैंड के पहचान के, हमने उनसे रिक्वेस्ट किए कि भाई कहीं पे भी पर यहाँ पे आप शॉर्टेज मत करवाइए, वो अरेंज कर करके यहाँ पे दे रहे हैं। हर 3-4 घंटे के बाद में इनका कॉल आता है रिलेटिव्स को, आप यहाँ पर से पेशेंट को शिफ्ट करो, हमारे पास में O2 की शॉर्टेज चल रही है। जब तुम्हारे पास में O2 की शॉर्टेज है तो आज शाम में आपको जब 5 से 6 बाटले हसन भाई ने डाले तो आपने 2 से 3 ICU के अंदर पेशेंट्स को क्यों एडमिट किए? आपको नहीं एडमिट करना चाहिए था। हाँ, जितना आपके पास में O2 है, जो पेशेंट्स ऑलरेडी आपके पास में है, आप उन्हीं को यूटिलाइज करो ना, एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हो? मतलब आपकी अभी आप लोगों को कितने घंटे का टाइम दे दिए? 2 घंटा। अगर ये अरेंजमेंट नहीं होता तो आप लोग बहुत परेशान हो जाते थे ऑब्वियसली, इसलिए हम लोग को भी फोन करना पड़ा, इमरान भाई को फोन करना पड़ा, अवार्ड साहब को फोन करना पड़ा, सिराज भाई को फोन करना पड़ा कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसे धांधली चल रही है।
पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए आप बहुत स्लो एंड स्टडी करते हो, और रही बात अगर वहाँ पर हम लोगों को बिल पे करने के लिए, तो बिल हम सामने से पे करने के बावजूद भी हमको बोलते हैं कि बिल पे करो, बिल पे करो। अरे जिस तरीके से आप हमसे बिल ले रहे हो, उस तरीके से आप ट्रीटमेंट तो दो हमारे पेशेंट्स को। मेरा नाम शफीक है। यहाँ पे हमारे पेशेंट एडमिट है, हम लोगों को जो है डॉक्टर ने बुला करके कहा कि मतलब आपके पास स्टॉक जो है सिर्फ 2 घंटे का अवेलेबल है, तो अपने पेशेंट्स को जो है वो मूव कीजिए दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए। हॉस्पिटल अथॉरिटी चेक नहीं करती हमारे पास कितना स्टॉक है। आपको पता होना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले क्या हो गया नाला सुपारे में, इनकी लापरवाही की वजह से जो है 7 पेशेंट की जो डेथ हो गई है। तो अभी जो है हम लोगों ने मीडिया को बुलाया, पॉलिटिशियंस को टच किया, तो अभी अरेंज कर रहे हैं। शमीम भाई, आज ये यहाँ पर जो जिस तरह से आप सीजन ख़त्म हुआ हॉस्पिटल में, उसके बाद एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था, इस दौरान आप लोगों ने किस तरह से यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की जो है उपलब्धता करवाई है? 12:20 पे डॉक्टर निज़ाम साहब का कॉल आया, उन्होंने बताया कि बिलाल हॉस्पिटल में 22 पेशेंट हैं जो कि ICU में हैं, और अगर ऑक्सीजन उनको 2 घंटे में नहीं मिलेगा तो शायद उनकी मौत हो सकती है। उसको देखते हुए मैं, हमारे भाई शानू भाई, रेहान भाई पीतलवाला, हम लोगों ने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र भट्ट साहब से बात किया, और मंत्री महोदय ने फ़ोन उठाया, और उसके बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस लाइन में लेकर के एडिशनल कमिश्नर देशमुख जी से बात किया, और देशमुख जी ने उसके बाद शानू पठान जी से बात किया। बात करके हम लोगों ने जा करके ग्लोबल हॉस्पिटल से मंत्री महोदय ने बात करके इस जो ऑक्सीजन का भी आपने देखा है यहाँ पे 2 बाटला आया है, वो उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र भट्ट साहब का, और ख़ास करके कमिश्नर साहब का, जो कि इतने वक्त यानी रात में 2:35 हुआ है और ये अरेंज हो गया। लेकिन उसके साथ साथ में जो पेरेंट्स थे, जो रिलेटिव्स थे यानी पेशेंट्स के, वो लोगों के आँख में आंसू था जब तक यहाँ पे ये टेम्पू या बाटला नहीं पहुँचा था। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि अभी अब कब तक का मामला हो जाएगा, लेकिन मैं अल्लाह का एहसान मानता हूँ कि ये जो बाटले का अरेंजमेंट हुआ है, इससे उन लोगों की जान बची है। और हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र भट्ट साहब का और देशमुख जी का, सैयद असरफ भाई साहब भी फ़ोन पे कांटेक्ट में थे, और शानू भाई, हमारे तमाम साथियों ने मेहनत करके इसको अरेंज किया है, अल्लाह जज़ा खैर दे। शानू भाई, जिस तरह से अभी आप लोग 2 बाटला तो ले आए, मरीजों को ग्लोबल में शिफ्ट करने की बात हो रही थी, वो बहरहाल अब नहीं होगी, लेकिन 16 घंटा ये जो बाटले लाए हैं आप, ये 16 घंटा चलेगा, लेकिन इसके बाद फिर ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ से आएगा, कैसे पूरा होगा? देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है आज की ये घटना। तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग ने जितेंद्र रावत जी से बात की, और हम लोग वहाँ पहुँच के बाटला लेके आ गए, और आने वाले 1-2 दिन का भी ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर सकते हैं, TMC के पास अवेलेबल है। लेकिन महाराष्ट्र और थाने जैसी महानगर पालिकाओं में ऐसी दिक्कतें हो रही है, इंजेक्शन ऑक्सीजन और बेड के लिए लोगों को घूमना पड़ रहा है। प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, कलेक्टर को और कमिश्नर को आगे आना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को ये सारी जिम्मेदारी लेना चाहिए। लोक प्रतिनिधि का ये काम नहीं है कि ऑक्सीजन किस कंपनी के पास अवेलेबल है और किधर अवेलेबल है। कहीं ना कहीं प्रशासन महापालिका और कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि जितने भी थाने के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कमी है, आज पेशेंट और लोक प्रतिनिधि कहाँ कहाँ भटकेंगे। मैं एक इंतजाम करके देखता हूँ, शमीम खान जी अगर एक कर सकते हैं, व्हाट्सअप 5 कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन को जो इनके सप्लायर है, जो लोगों को देते हैं, उनके ऊपर नज़र रखना चाहिए, और कहाँ कहाँ इसकी दिक्कत है, कहाँ कहाँ ज़रूरत है, उसके लिए प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। नहीं तो आने वाले वक्त में परिस्थिति बहुत भयंकर हो जाएगी। कुछ लोग ब्लैक कर रहे हैं, जो इंजेक्शन की 1300 कीमत है, जो इंजेक्शन की 1800 कीमत है, 8-8 हज़ार में लोग बेच रहे, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी। डॉक्टर निजाम साहब, जिस तरह से आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो गई, काफ़ी जो है जो पेशेंट के पेरेंट्स थे उन लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लेकिन इस दौरान जो है आपके अस्पताल में जो कंपनियाँ गैस की सप्लाई करती हैं, आखिर उन लोगों ने क्यों नहीं सप्लाई किया, कैसे ये कमी हो गई? एक्चुअली उनका कहना है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, इसके लिए जो सप्लाई हमें करता है सप्लायर, उसने सीधे हमें मना कर दिया कि आगे हम ऑक्सीजन आपको सप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, इसके बाद फिर मैंने शमीम भाई को फ़ोन किया,
शमी भाई ने फिर वार्ड साहब को फ़ोन किया, इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी हमको दो टैंक मिल गया है और आगे कल क्या होगा कुछ नहीं बोल सकते। मंत्री आवाज साहब से भी बातचीत हुई है, जो आपके यहाँ सप्लाई करते हैं उन लोगों से बातचीत हुई है, तो क्या कुछ बातचीत हुई है उसके बारे में आपको भी जानकारी? मैं बता रहा हूँ क्या बातचीत हुई है, उनको मालूम नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब ने जो गैस के एजेंसी के लोग हैं आइनॉक्स वाले, उनसे उन्होंने बात किया है। उन्होंने उनको एकदम सख्त अल्फाज में कहा है कि थाने में चाहे वो कौन सा भी हॉस्पिटल हो, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है और वहाँ पे कोई भी घटना घटती है तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, ऐसा उन्होंने उनसे कहा है। और सख्त अल्फाज में कहा है कि कल सुबह से लेकर शाम तक इसका आप जो भी कमी हो रही है ऑक्सीजन की उसको आप पूरा करेंगे, और आपको कहाँ क्या सहायता लगती है उसके लिए आप बताएंगे। आवाज साहब ने बोला हमको बताएं, यानी उनको बताएंगे, उसके बाद वो मदद करेंगे उनकी। लेकिन ये जो आज परेशानी हुई है, जो प्रॉब्लम्स हुई है, इसके ज़िम्मेदार, मैंने उनसे एक बात कहा था फ़ोन पे कि अगर यहाँ पे अच्छा है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ऑक्सीजन मंत्री जितेंद्र आवाज साहब ने अरेंज करा दिया, नहीं तो यहाँ 22 लोगों की मौत होती थी। इसके ज़िम्मेदार कौन होते थे? वो कंपनी के मालिक होते थे, उन्हें ये जनता नहीं छोड़ती थी। मैंने ये बात उनसे फ़ोन पे भी कही थी और आपके माध्यम से भी कहता हूँ और आने वाले टाइम के लिए भी कहता हूँ कि होश संभाल में आप लोग ये ध्यान दें कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पेशेंट की जान जा सकती है। आपने अच्छे वक्त में अगर डॉक्टर निजाम साहब को सप्लाई किया है तो आज बुरे वक्त में कौन खड़ा रहेगा? आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इसे ध्यान दें। मैं क्या आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, उन तक मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के बाद ऐसी कोई दिक्कत समस्याएँ किसी भी हॉस्पिटल का ना हो, ऐसी वो कोशिश करें और आगे ये दिक्कत ना हो, ऐसा उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। रियान भाई, जिस तरह से आप ऑक्सीजन लेने के लिए यहाँ से गए और काफ़ी आपने दौड़ भाग की, दो ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पर लेकर भी आए, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि शमीम भाई का और शानू भाई का मुझे फ़ोन आया कि साहब से आवाज साहब से हमारी बात हो चुकी है, आप जल्द से जल्द वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचिए और लीजिए, तो हम लोग यहाँ से निकले। साथ में हमारे शानू भाई भी थे, शमीम भाई भी थे, फ़ौरन वक्त ज़ाय करे बिना हमने वो लिया। आवाज साहब ने सारा अरेंज करा दिया था, लकीली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करमे से हमको ये दो मिल गया है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे डिस्ट्रीब्यूटर से, जिन लोगों ने हमारे शहर के अंदर ऑक्सीजन आज तक सप्लाई किया है, जब वो अच्छे दौर में थे तो उनका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ख़राब दौर में, मैं ये समझ सकता हूँ इसकी किल्लत है, लेकिन कहीं से कहीं तक के किसी की हमारे जान नहीं जाना चाहिए और उसके लिए पूर्ति करना उनका काम है। और मैं हमारे मंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, जितेंद्र आवाज साहब का, कि वक्त रहते उन्होंने अरेंज कर दिया, हमारे कमिश्नर साहब का, शानू पठान साहब का और शमीम भाई का, कि हमको आज अल्हम्दुलिल्लाह दो ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल गए। इंशाल्लाह कल तक हम इसको और कुछ गुंजाइश करेंगे ताकि हमारे मुमरा शहर में ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, इंशाल्लाह।